बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव में कॉरपोरेट जगत से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड योजना को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई में शीर्ष अदालत से इस खामी को दूर किए जाने की उम्मीद जाहिर की है। चुनावी बॉन्ड योजना पर सवाल उठाने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। मायावती ने चुनावी बॉन्ड योजना से चुनाव में धनबल के खेल को बढ़ावा मिलने पर चिंता जाहिर की। चुनावी बॉन्ड को लेकर देश की राजनीति में काफी चर्चा होती रही है। राजनीतिक दलों के चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरू की गई स्कीम को लेकर कई सवाल हैं, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव में राजनीतिक दलों के चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ लागू किए गए चुनावी बॉन्ड को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर चिंता जताई है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि कॉरपोरेट जगत और धन्ना सेठों के धनबल के प्रभाव ने देश में चुनावी संघर्षों में गहरी अनैतिकता और असमानता की खाई ला दी है। इसके साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करके यहां लोकतंत्र और लोगों का बहुत उपहास बनाया हुआ है। गुप्त चुनावी बॉन्ड स्कीम से इस धनबल के खेल को और भी ज्यादा हवा मिल रही है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, किंतु अब काफी समय बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड से संबंधित याचिका पर सुनवाई शुरू करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि धनबल पर आधारित देश की चुनावी व्यवस्था में आगे चलकर कुछ बेहतरी हो और चुनिंदा पार्टियों के बजाय गरीब समर्थक पार्टियों को खर्चीले चुनावों की मार से कुछ राहत मिले। हालांकि इस मामले पर बीजेपी की राय मायावती से अलग है। देखिए, दौलत और शोहरत के लिए सरकार और सत्ता प्राप्त करने वालों को जनता ने नकार दिया और विकासवाद को अपना लिया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार बना दी। आज कुछ लोगों को लग रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बहुत देर हो चुका है। और एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। ये बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चुनावी बॉन्ड को लेकर जवाब मांगा था। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की दलील दे रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।